कैसे हैं आप? विद्यालय शिक्षा विभाग हरियाणा के आज की एजुसेट टेलीकास्ट में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 का पाठ 7 नियंत्रण एवं समन्वय शुरू करने जा रहे हैं। यह अति महत्वपूर्ण पाठ है, इसीलिए आप सभी इसे ध्यानपूर्वक सीखें। प्यारे बच्चों, अध्याय 6 में हमने सजीवों के अनुरक्षण यानी रख रखाव में संलग्न बहुत सारे जैव प्रक्रमों के विषय में पढ़ा है। हमने पढ़ा कि जीव जब गति करता है तो हम उसे सजीव कहते हैं, और ये बड़ा आसान उदाहरण आप अपने आसपास देख सकते हैं कि जब कोई बीज धरती के अंदर बोया जाता है तो उसके अंदर से एक नया जो पौधा अंकुरित होता है वह उसकी बहुत सारी गतियों के कारण संभव होता है। और यह सत्य भी है, उसके अंदर जो जड़ बनती है और जो तना बनता है वो दोनों जब विपरीत दिशा में गति करते हैं तो एक पौधा जो है वो पूर्ण रूप से विकास की तरफ अग्रसर होता है। लेकिन ऐसी बहुत सारी गतियां हमारे आसपास होती हैं जो किसी जीव की वृद्धि से रिलेटेड नहीं होती। आप नहीं कह सकते कि किसी चूहे के पीछे बिल्ली का भागना उसकी वृद्धि से संबंधित है, या जब आप किसी बॉल के पीछे भागते हैं तो उसमें कोई वृद्धि संलग्न नहीं होती। फिर यह सब क्या है? आज जो हम पढ़ रहे हैं बच्चों, उसमें हम जो बात कर रहे हैं वह है नियंत्रण एवं समन्वय की। नियंत्रण माने कंट्रोल और समन्वय माने कोऑर्डिनेशन। सबसे पहले बात करते हैं इनका मीनिंग क्या है, यानी कंट्रोल या नियंत्रण का अर्थ क्या है, कंट्रोल क्यों किया जाता है, आपको क्या आवश्यकता है कि अब जो है आपकी गतिविधि को कोई चीज नियंत्रित करे और क्यों करे। तो नियंत्रण इसीलिए आवश्यक है कि जब आप कोई क्रियाकलाप कर रहे हैं, जैसे कि आप दौड़ रहे हैं, आपको कितनी तेजी से दौड़ना है, कब रुकना है और कब जो है वो धीमी गति से चलना है, इन सब को कोई ना कोई ऐसी चीज है जो कंट्रोल करती है यानी नियंत्रित करती है। तो ये मीनिंग है यहाँ पे कंट्रोल का। और कोऑर्डिनेशन माने तालमेल। तालमेल कैसे? जैसे आप बॉल के पीछे दौड़ रहे हैं। दौड़ना किसे है? आपके पैरों को। लेकिन पैर के साथ समस्त जो शरीर के अंग हैं उनको भी चलना है और एक निश्चित पैटर्न में वो दौड़ते हैं या चलते हैं या कार्य करते हैं, और उन सभी को तालमेल से आगे बढ़ना होता है ताकि आप गिरे ना, आप उसी गति को कायम रख सके और एक निश्चित सीधी दिशा में दौड़ सके। इसको हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं यानी तालमेल कहते हैं यानी समन्वय कहते हैं। ये सब अति आवश्यक है, यानी इनकी नीड क्या है, मीनिंग तो हमें पता लग गया लेकिन नियंत्रण की आवश्यकता क्या है। तो बच्चों आप सोचिए, यदि आप भोजन कर रहे हैं और भोजन करते रहे करते रहे करते रहे और कोई भी आपको ना टोके ना रोके, आपको पता ही ना चले कि आपको कितना भोजन खाना है, कब रुकना है, कितनी आपको भूख है, तो क्या होगा? वह एक ऐसी स्थिति होगी जो शायद आपको बीमार कर सकती है, तो वो नहीं होना चाहिए। इसीलिए क्या है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें किसी भी गतिविधि को करने से रोकती हैं। जैसे आपको देखते ही पता चल गया कि आप रोड क्रॉस कर रहे हैं और सामने से कोई गाड़ी आ रही है तो आपको तुरंत पता चलेगा कि आपको अब रोड क्रॉस नहीं करना, आपको वहीं रुक जाना है। तो रोकने का जो संदेश है, वो जो नियंत्रण आपके पैरों पर जाएगा, आपके समस्त शरीर पर जाएगा, उसकी
आवश्यकता होती है आपकी सुरक्षा के लिए, आपके एक सही तरीके की कार्य प्रणाली के लिए, ये इसकी आवश्यकता है। साथ ही आपके सभी अंग, जैसे मैं अब बोल रही हूँ तो मेरी जीवा, मेरे हाथ और जो पेन है ये वही लिख रहा है जो इस विषय से संबंधित, यानी ये सब एक नियंत्रण में है। इसी प्रकार जैसे आप पढ़ रहे हैं तो आपकी जो सोच की दिशा है, जो आप लिखेंगे और जो आप समझेंगे, वो सभी एक दिशा की तरफ नियंत्रित है। तो ये सब चीजें एक सही प्रकार से हों, यही आवश्यकता है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की, यानी नियंत्रण और समन्वय की। किस प्रकार से, हाउ कैन वी कंट्रोल, हम किस प्रकार से नियंत्रण कर सकते हैं, कैसे आप करेंगे, आप अपने हाथों को कितना ऊपर उठाएंगे, कितना नीचे ले जाएंगे, कब आप लिखेंगे और किस दबाव से लिखेंगे, कितना पढ़ेंगे, कब आपकी पलक झपकेगी, ये सब चीजें कैसे कंट्रोल होंगी, कैसे नियंत्रित होंगी, ऐसा क्या है हमारे शरीर के पास जो इन सब चीजों को कंट्रोल करेगा। जैसे आपने पिछले अध्याय में पढ़ा कि हर कार्य के लिए, जैसे पाचन के लिए, जैसे श्वसन के लिए, जैसे उत्सर्जन के लिए, हर कार्य के लिए हमारे पास एक तंत्र था और उस तंत्र में बहुत सारे अंग थे, वो इन सभी क्रियाओं को अच्छे से पूर्ण करते थे और मिल करके, आपने देखा ना हम इसमें बात करें कोऑर्डिनेशन की, तो इन सभी तंत्रों के सभी अंग तालमेल से इस पूरी क्रिया को पूर्ण करते हैं। तो अब ये क्रियाओं को कंट्रोल करने वाला भी क्या कोई ऐसा तंत्र हमारे शरीर के पास है, और न केवल मनुष्य बल्कि सभी जीव जंतु एवं पेड़ पौधों में भी एक ऐसे तंत्र होते हैं जो इन सभी चीजों को नियंत्रित करते हैं, जो इन सभी एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं, और वो ये तय करते हैं कि कोई भी पादप, कोई भी जंतु किस प्रकार से अपने जीवन के वृद्धि एवं अन्य कार्यों हेतु जो गति कर रहे हैं वो अच्छे से कर पाए। और ये सब कब होता है, ये तय किया जाता है आपके आसपास के पर्यावरण से, आप किस प्रकार के पर्यावरण में हैं, यानी इन्वायरमेंट में है, आपके आसपास। इन्वायरमेंट का मतलब क्या है बच्चों, मान लीजिए आप कहीं जा रही हैं, ठीक है, आप चलते जा रही हैं और सामने से आपको एक सांप आता दिखाई दिया, आप क्या करेंगे, आपका मस्तिष्क कार्य करेगा आपके सोचने के तरीके को कि आपको उस दिशा में जाने के बजाय आपको विपरीत दिशा में चलने के लिए प्रेरित करेगा, या आप किसी ऐसे बड़े व्यक्ति को ढूंढेंगे जो उस सर्प से आपकी रक्षा करे। तो ये सब निर्देश देने वाला एक तंत्र है जिसे हम एक विशेष तंत्र का नाम देते हैं, जिसे सारी गतिविधियां जो कंट्रोल करता है। तो आइए अब हम उसी तंत्र के विषय में चर्चा करते हैं कि ऐसा कौन सा तंत्र है जो हमारी एक्टिविटीज को हमारे पर्यावरण के हिसाब से, हमारे फायदे के हिसाब से, जिसमें आपको लाभ होता है, आपका जो तंत्र है वो आपके पर्यावरण के हिसाब से आपके लिए जो गतिविधि या जो अनुक्रिया या जो उस सामने की स्थिति का जो फल है उन सब को नियंत्रित करता है। और इसका जो तंत्र है उसको हम कहते हैं तंत्रिका तंत्र। क्या नाम है, तंत्रिका तंत्र, यानी नर्वस सिस्टम। यानी नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। और यहां हम आज बात करेंगे जंतु तंत्रिका तंत्र की, यानी एनिमल
नर्वस सिस्टम की। बच्चों एक चीज आपको पता होगी, आपने अपने विज्ञान की पुस्तक में भी, अपने साइंस रूम में भी, लैब में भी आपने एक पिक्चर देखी होगी, चार्ट टंगा हुआ देखा होगा, और जहां पर आप इस प्रकार से एक जाल जो है उस चार्ट में एक ऐसा जाल होगा जो आपके शरीर के प्रत्येक अंग में इस प्रकार की एक जाल को दर्शा रहा हो। ये जो जाल है ये आपके मस्तिष्क से शुरू होकर के आपके आखिर का जो नेल होता है वहां तक फैला हुआ होता है, प्रत्येक अंग तक इसकी पहुंच होती है। ये असल में एक पूरे जाल के जैसा होता है जिसे हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं, और यही तंत्रिका तंत्र होता है जो सभी गतिविधियों को कंट्रोल करता है। तो अब बात आती है कि यह तंत्रिका तंत्र आखिर खुद किससे बना होता है, ऐसे कौन सी चीजें हैं जो इसको बनाती हैं। तो मैं आपको इसका सबसे जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो सबसे बेसिक यूनिट है, आधारभूत जो इसका यूनिट है तंत्रिका तंत्र का, वो बताती हूं, और वो है तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन। न्यूरॉन ही वो सेल होता है जो इस पूरे तंत्र में फैला होता है और जो सारी जो नियंत्रण की गतिविधि है उनको कैरी आउट करता है। बच्चों जंतुओं में नियंत्रण का जो कार्य है वो तंत्रिका एवं पेशी ऊतक द्वारा किया जाता है, जिसकी अभी हमने बात की। तो तंत्रिका एवं पेशी ऊतक ये दोनों मिलकर के कंट्रोल का काम करते हैं। मान लीजिए सामने एक गर्म प्लेट है, आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो प्लेट है इसको जब आपने छुआ तो किस प्रकार से आपका हाथ जो है वो यहां से वापस हटा? क्या होता है बच्चों, हमारे पास रिसेप्टर्स होते हैं यानी संवेदी अंग होते हैं जिन्हें हम सेंस ऑर्गन्स भी कहते हैं। ये आपने अपनी छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, संवेदी ऑर्गन होते हैं जो संवेदनाएं ग्रहण करते हैं आपके आसपास के पर्यावरण से। कौन कौन से होते हैं? ईयर, आप सभी को पता है, नोज, आईज, टंग, और एक सबसे बड़ा जो सेंस ऑर्गन होता है वह होता है आपकी स्किन यानी त्वचा। सारे शरीर की त्वचा जो है वो संवेदी अंग के तरीके से कार्य करती है, और इनमें से जो आपके कुछ अंग हैं जैसे सूंघने का कार्य करने वाला अंग अलग है, देख करके उन चीजों को संवेदनाएं लेने वाला अंग आंखें हैं, और सुन करके कैसी किस प्रकार की सूचनाएं, जैसे अभी आप जो बातें सुन रहे हैं, जो पाठ सुन रहे हैं, उनको ग्रहण करने वाला जो अंग है वो है हमारा अंदरूनी जो कान का हिस्सा होता है वो। भोजन कैसा बना है, खट्टा है, कोई पदार्थ मीठा है या नमकीन है, उन सब की संवेदना लेगी हमारी जिह्वा यानी टंग। और जो आपकी ये त्वचा है जो इस प्लेट को, हॉट प्लेट को जो टच करेगी, गर्म प्लेट को छुएगी, वो जो त्वचा है वो भी एक सेंस ऑर्गन के जैसे कार्य करती है। जैसे ही यहां से इसने इस गर्म प्लेट को छुआ, छूते ही आपका हाथ पीछे जाएगा, कहां से गया? जैसे ही आपने इसको छुआ यहां से सूचना भेजी गई आपके
मस्तिष्क को। जैसे यहां से सूचना गई वहां से जवाब यहां आने की बजाय यहां आया और ये जो हाथ था ये पीछे खींच गया। तो ये सारा कार्य करने वाला कौन है? हमारे सेंस ऑर्गन्स। किसकी सहायता से हुआ? सेंस ऑर्गन्स और साथ में पेशी ऊतक, इन सभी ने किया। सेंस ऑर्गन में ऐसा क्या है? किसकी सहायता से जो सूचना थी वो मस्तिष्क तक पहुंच जाती है, जबकि हाथ यहां था, यहां से सूचना मस्तिष्क तक किसने पहुंचाई? उसी ने जिसको मैंने अभी बताया था, हमारी तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका का चित्र बनाना सीखते हैं और साथ ही चित्र बनाते बनाते हम सीखेंगे किस प्रकार से तंत्रिका कोशिका सूचनाओं को लेकर के जाती है और उसके कार्य को जो आवश्यक होता है उसको पूर्ण करवाती है। आप जब तंत्रिका कोशिका इसका स्ट्रक्चर बड़ा अच्छा होता है और ये सबसे बड़ी कोशिका होती है हमारे शरीर की। ये बीच में होता है इसका केंद्रक, और ये जो हिस्सा है ये इसका सामने वाला आगे वाला हिस्सा होता है जो सूचनाएं ग्रहण करता है, और इसके यहां लगे होते हैं इस तरीके से डेंड्राइट्स। ये डेंड्रॉन होता है और इनको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स, जो सूचनाएं ग्रहण करते हैं। डेंड्राइट्स को हम ध्रुमिका ध्रुमिका भी कहते हैं या हम इन्हें डेंड्राइट्स भी कहते हैं। ये न्यूक्लियस है और ये क्या करेगा? अपने आसपास के पर्यावरण की सूचनाओं को यहां से लेकर के यहां इस ये जो बिंदु है इस तक पहुंचाता है। ये क्या है? ये कोशिका काय है। कोशिका काय, और जब यहां कोशिका काय तक इन डेंड्राइट्स यानी ध्रुमिका से और जब यहां इस कोशिका काय के पास सूचनाएं आ जाती हैं तो ये यहां से इस तरफ सूचनाओं को गति देता है। ये कौन सा हिस्सा है? इसको हम बोलते हैं एक्सॉन या तंत्रिकाक्ष। क्या नाम है? तंत्रिकाक्ष, और इंग्लिश में हम इसे एक्सॉन बोलते हैं। तो ये सूचनाएं यहां से यहां पहुंची और उसके बाद ये जो इसका अंतिम सिरा है ये है इसका अंतिम सिरा, और यहां पर जो है सूचनाएं पहुंचती है। इसके बाद यहां जब अगली जो कोशिका होती है इस तक सूचना देने के लिए यहां बीच में एक स्पेस होता है, ये जो स्पेस है इसको हम बोलते हैं सिनेप्स। ये क्या है? ये सिनेप्स है, और इस सिनेप्सिस के बीच में सूचनाएं जाए यहां पे होते हैं रसायन। रसायनों की सहायता से जो सूचना होती है वो अगली तंत्रिका तक भेजी जाती है। तो ये जो संदेश है वो यहां से इस सिनेप्स क्या है? वो रिक्त स्थान जो दो न्यूरॉन्स के बीच में होता है उस गैप को हम सिनेप्स बोलते हैं, और सिनेप्स में जो मैसेज ट्रेवल करता है जो सूचना जाती है वो केमिकल्स की हेल्प से जाती है, रसायनों की सहायता से जाती है। और इस प्रकार ये क्या होता है? एक पूरा ये आगे और फिर आगे एक और जो है वो चेन है, पूरा जाल होता है इन न्यूरॉन्स का जो यहां से सूचनाएं चलती हैं। यहां सूचना बनी, यहां पर इसके पास जो बाहरी पर्यावरण से जो संवेदना थी वो इसने ग्रहण की तुम्रिका की सहायता से, इस एक्सॉन से एक इलेक्ट्रिक इंपल्स
विद्युत आवेग के रूप में सूचना चली और फिर इसके अंतिम सिरे से अगले के द्रुमी कक्ष तक इस सिनेप्स में केमिकल्स की सहायता से वो जो इंफॉर्मेशन थी, जो सूचना थी, उसको आगे स्थानांतरित किया गया और फिर इस न्यूरॉन से ये सूचना आगे जो है अगले न्यूरॉन तक इसी तरीके से चलती हुई जाती है। तो इसमें हम देख करके कह सकते हैं कि जो हमारे तंत्रिका और पेशी ऊतक होता है, जो तंत्रिका ऊतक है वो बहुत सारे न्यूरॉन्स का या तंत्रिका कोशिका का एक जाल है जो पूरे हमारे शरीर में फैला होता है और जो संवेदनाएं संग्रहित करके आगे भेजता है। अब बात आती है ये सूचनाएं जाती कहाँ हैं और इनका किस प्रकार से इन सूचनाओं को इस्तेमाल करके हमारे अब सवाल आता है ये सूचनाएं जाती कहां हैं, वेयर दिस इंफॉर्मेशन गोज और यूटिलाइज्ड या हम कह सकते हैं आंसर्ड, कहां पर इन सूचनाओं का जवाब दिया जाता है, कहां पर इनको ग्रहण करके इनके लिए प्रतिफल के रूप में प्रतिक्रिया दी जाती है, उसी के विषय में अब हम आगे पढ़ते हैं। यानी हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्स एक्शन के विषय में, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय, ऐसा विषय जो हमारे आसपास हम खुद बहुत बार करते हैं। कैसे करते हैं, मतलब एकदम से जैसे रोशनी आती है या कोई बॉल है या कोई ऐसी चीज जो एकदम हमारी आंखों के पास आती है तो हमारी आंखें क्या करती हैं, एकदम से बंद हो जाती हैं। वो क्यों हुई, उसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन या प्रतिवर्ती जाप। प्रतिवर्ती जाप, आइए सीखते हैं ये क्या होती है। बच्चों ये शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछती हूं, आपको कैसे पता चलेगा कि सामने आग लग गई है और आपको क्या करना है। मान लो ये नहीं है, आपको नहीं पता और आप क्या करेंगे, आप जाएंगे और उस आग से लिपट जाएंगे या उसमें कूद जाएंगे, क्या आप ऐसा करेंगे। यहां आग लगी है और आप जाएंगे और इस आग से लिपट जाएंगे, नहीं ना, ये नहीं करेंगे आप। आप क्या करेंगे, या तो उस आग को बुझाने की कोशिश करेंगे पानी डाल करके या उस आग से दूर चले जाएंगे। ऐसा क्यों किया आपने और ऐसा कैसे हुआ, आपके पैर इस तरफ जा सकते हैं, किस प्रकार आपके पैरों को आदेश मिला कि आप वापस चाहिए। चलिए हम कोई अच्छा सा उदाहरण देते हैं, आपको गुलाब जामुन खाना बहुत पसंद है, गुलाब जामुन गरम गरम समोसे आपको इतने अच्छे लगते हैं कि इनकी सुनते ही आपके मुंह में पानी आ जाता है। पानी कब आया, क्यों आया, वो एक जो आपने सोचा इतनी स्वादिष्ट व्यंजन के विषय में, तो उस सोच का जो प्रतिफल था, जो प्रतिवर्ती क्रिया थी, उसके प्रभाव से आपके मुख में पानी आया। तो इसको हम, इसी बात की हम चर्चा कर रहे हैं, इसी को हम प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं, प्रतिवर्ती चाप कहते हैं या रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। किस प्रकार से, एक बार इसको फिर से समझते हैं विस्तार पूर्वक। अभी जो उदाहरण हमने डिस्कस किया था कुछ देर पहले कि एक गर्म प्लेट है, हॉट प्लेट, और यहां आपका हाथ है, ठीक है,
यहाँ क्या था, जैसे ही आपके हाथ ने इस प्लेट को छुआ, छूते ही हमने बात की थी कि स्किन जो है वो एक सेंस ऑर्गन है, ठीक है। सेंस ऑर्गन में क्या है, यहाँ पर न्यूरॉन्स हैं, माने तंत्रिका कोशिका है, और तंत्रिका कोशिका यहां से क्या करेंगी, मैसेज भेजेंगी। मैसेज कहाँ जाता है बच्चों, जब मस्तिष्क या सोचने की क्षमता का जो तंत्र था वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं था, तो यहां पर मेरुरज्जु बनता था। मेरुरज्जु में सारी सूचनाएं इकट्ठा होती थी। मेरुरज्जु के बाद जो सूचनाएं थी वो आगे मस्तिष्क, क्योंकि ये ऐसी सूचनाएं होती थी जो तुरंत प्रभाव से एक्शन मांगती थी, तुरंत प्रभाव से उससे बचने का तरीका मांगती थी, तो यहां से जो सूचनाएं होती वो मेरुरज्जु में इकट्ठी होती, और मेरुरज्जु इसको यहां पर सूचना देने की बजाय यहां इन मसल्स को, पेशी को, जो पेशी कोशिकाएं होती हैं उनको सिकुड़ने के लिए बोलती है। तो हमारी जो मेरुरज्जु है वहां पर क्या बनेगी, वहां पर बनेगी प्रतिवर्ती क्रिया, और प्रतिवर्ती क्रिया के फलस्वरूप जो पेशी कोशिकाएं होंगी उनको सिकुड़ने का संदेश प्राप्त होगा, और हाथ हमारा सिकुड़ करके यहां चला जाएगा, हमसे जो जलन होती है उससे हाथ को बचा दे। अब आप कहेंगे हमारे पास तो एक सोचने के लिए बहुत वेल डेवलप्ड मस्तिष्क होता है, तो फिर मेरुरज्जु से यह संदेश क्यों दिया जाता है, क्यों यह प्रतिवर्ती क्रिया की जाती है। वह इसलिए बच्चों कि हमारा मस्तिष्क तक, मेरुरज्जु तक जो सूचना है वो मस्तिष्क तक जाएगी, वहां उस सूचना का विश्लेषण होगा और फिर वह सूचना जो है वापस भेजी जाएगी। इसमें काफी समय लग सकता है और हमारे पर्यावरण से हमें दुर्घटना से या कोई नुकसान हो सकता है, या हमें उसकी जो जलन है वो अधिक हो सकती है, तो उससे बचाने के लिए जो मेरुरज्जु है वो तुरंत जो है एक्शन लेती है और रिफ्लेक्स एक्शन कार्य में आता है। अधिकतर जंतुओं में प्रतिवर्ती चाप इसलिए विकसित हुआ है क्योंकि इनके मस्तिष्क के सोचने का प्रक्रम बहुत तेज नहीं है। वास्तव में अधिकांश जंतुओं में सोचने के लिए आवश्यक जटिल न्यूरॉन जाल या तो अल्प है या अनुपस्थित होता है। अतः यह स्पष्ट है कि वास्तविक विचार प्रक्रम की अनुपस्थिति में प्रतिवर्ती चाप का दक्ष कार्य प्रणाली के रूप में विकास हुआ है। यद्यपि जटिल न्यूरॉन जाल के अस्तित्व में आने के बाद भी प्रतिवर्ती चाप तुरंत अनुक्रिया के लिए एक अधिक दक्ष प्रणाली के रूप में कार्य करता है। और बच्चों अब समय है, आज के पाठ में हमने जो पढ़ा उसको एक बार दोबारा जानने का, यानी सारांश का। और सबसे पहले हमने सीखा हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य तंत्रिका तंत्र तथा पेशी ऊतक का होता है। साथ ही हमने सीखा तंत्रिका ऊतक तंत्रिका कोशिकाओं के एक संगठित जाल का बना होता है। और बच्चों हमने यह भी सीखा कि पूरे शरीर की तंत्रिकाएं मेरुरज्जु में मस्तिष्क को जाने वाले रास्ते में एक बंडल में मिलती हैं, और जो प्रतिवर्ती चाप होती है उसके तुरंत अनुक्रिया के लिए एक अधिक दक्ष प्रणाली के रूप में कार्य करती है, यानी प्रतिवर्ती चाप हमारी तुरंत मदद करती है। और अब समय है कुछ प्रश्नोत्तर, जिसमें आपके लिए पहला प्रश्न है, क्या जीव की सभी क्रियाएं वृद्धि के लिए होती हैं, जिसमें आपके विकल्प हैं हाँ या नहीं। और इसका सही जवाब है नहीं, सभी क्रियाएं वृद्धि के लिए नहीं होती। और प्रश्न दो है, तंत्रिका ऊतक का क्या कार्य होता है, जिसमें आपके ऑप्शंस हैं अपशिष्ट का संवहन, सूचनाओं का संवहन, रक्त का संवहन या वायु का संवहन। और इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प ख, यानी सूचनाओं का संवहन। प्रश्न तीन है बच्चों, प्राप्त आगम संकेतों के अनुसार की गई निर्गम क्रिया के संबंध को क्या कहते हैं,
मेरुरज्जु कहते हैं, न्यूरॉन जाल, प्रतिवर्ती चाप या फिर दक्षता। और इन चारों विकल्पों में से सही जवाब है विकल्प ग, यानी प्रतिवर्ती चाप इसका सही जवाब है। और अगला प्रश्न है, पर्यावरण से सूचनाओं को प्राप्त करने वाले ग्राही कहाँ स्थित होते हैं, जिसके विकल्प हैं विकल्प क मस्तिष्क में, ख पर्यावरण में, हड्डियों में या फिर ज्ञानेंद्रियों में। और विकल्प घ इसका सही जवाब है, ज्ञानेंद्रियों में स्थित होते हैं। और प्रश्न 5 के लिए बच्चों आपको एक चित्र दिया गया है जिसे आप बनाना सीखें और इसके अलग अलग भागों को नामांकित भी करें। यहाँ आपको स्टेप वाइज ये चित्र बना करके सिखाया गया है। इसी तरीके से आप इस अति महत्वपूर्ण चित्र को अपनी उत्तर पुस्तिका में बनाएं और इसके अलग अलग भाग जो कि आपको सिखाए भी गए हैं उनको नामांकित करें। इस अति महत्वपूर्ण चित्र को यहाँ आपको अत्यंत सरल तरीके से स्टेप वाइज ड्रॉ करके दिखाया गया है जिससे आपको इसे सीखने में आसानी रहेगी। प्यारे बच्चों, यह था अपना आज का पाठ। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।